Duniyadari is brought to you by CoinSwitch Kuber. Download the app now. भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करना आखिर फ्लेक्सिबल कितना है? आपके पैसे हैं, जब चाहो आपके पास, जब आप चाहो बिटकॉइन में, 24/7. CoinSwitch Kuber डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो. सिंपल, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल. ट्रेड कर बेफिकर. तुम्हारी वैक्सीन कूड़ा और हमारी वैक्सीन अमृत, यही है कुछ इस मामले का हाल. हफ्ते भर पहले की बात है, जर्मनी और फ्रांस के कुछ चुनिंदा यूट्यूब ब्लॉगर्स के मेलबॉक्स में एक ऑफर गिरा, एक विज्ञापन कंपनी की तरफ से. ऑफर क्या था? ये छोटा सा काम कर दो, 2 लाख रुपया देंगे. और काम क्या था? एक वीडियो बनाना था. इसमें दिखाना था कि फाइजर की कोरोना वैक्सीन लोगों के लिए बहुत खतरनाक है. जितने लोग एस्ट्राजेनेका से मरे, उससे 3 गुना ज़्यादा लोगों की मौत फाइजर की वैक्सीन से हुई. सरकार फाइजर की वैक्सीन खरीद कर लोगों की ज़िंदगी से समझौता कर रही है और मेन स्ट्रीम मीडिया असली बात लोगों से छिपा रही है. एक तुम ही हो जो सच बताकर लोगों को बचाना चाहते हो. कंपनी के मेल में खास सावधानी बरतने के लिए भी कहा गया कि वीडियो में विज्ञापन देने वाले का नाम नहीं आना चाहिए. लोगों को लगना चाहिए कि उनका चहेता यूट्यूबर वाकई उनकी जान की परवाह करता है. हमने वीडियो के साथ निर्माण शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि इसमें बहुत से तथ्य न सिर्फ झूठे हैं बल्कि कोरोना से जंग के लिए उपलब्ध सबसे सटीक उपाय के प्रति लोगों में अविश्वास पैदा करते हैं. इसलिए इन फर्जी दावों को सही ठहराने के लिए कुतर्क गढ़े जाते हैं, यानी कि अंततः ये एक मैन्युफैक्चर्ड वीडियो होता. 24 मई को फ्रेंच यूट्यूबर लियो ग्रासे ने इस मेल के स्क्रीनशॉट ट्विटर पर साझा किए. लियो ग्रासे डर्टी बायोलॉजी नाम से अपना चैनल चलाते हैं और उनके लगभग 12 लाख सब्सक्राइबर हैं. फ्रेंच अखबार लेमोंडे की रिपोर्ट के अनुसार ग्रासे के अलावा कई और भी यूट्यूबर्स ने सेम टू सेम ईमेल रिसीव करने की बात कही और इस तरह का ऑफर जर्मनी में भी एक यूट्यूबर को 18 मई को मिला था. हम जानते हैं कि दुनिया भर में मार्केटिंग कंपनियां सोशल मीडिया के तुर्रम खानों को यानी इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करती हैं अपने प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करने के लिए. लेकिन इस कैंपेन पर इतना हंगामा क्यों? इसके पीछे दरअसल कई वजहें हैं और इसकी जांच का दायरा भी बढ़ता जा रहा है. पहली बात तो ये कि इसमें भ्रामक वीडियो बनाने के लिए कहा जा रहा था. विज्ञापन देने वाला खुद को गुमनाम रखना चाहता था. दूसरी बात, जिस कंपनी ने ऑफर वाला मेल भेजा था उसका नाम है फेज, FAZZE. सुधी दर्शकगण, इसके उच्चारण की अशुद्धता के लिए मुझे माफ कर दें. इसने अपनी वेबसाइट पर पता लंदन का लिखा. कंपनी ने दावा किया कि हम ब्रिटेन में रजिस्टर्ड हैं. जब पड़ताल हुई तो पता चला कि इस नाम की कोई कंपनी ब्रिटेन में है ही नहीं. हल्ला मचा तो कंपनी ने वेबसाइट पर से कॉन्टैक्ट डिटेल्स हटाए. इसके अलावा कंपनी के इंस्टाग्राम अकाउंट को भी प्राइवेट कर लिया गया. साथ में लिंक्डइन पर इस कंपनी के स्टाफ के अकाउंट में भी एक एक करके गायब होने लगे. रेडिट पर इससे जुड़े फोरम भी डिलीट हो गए. साफ था कंपनी इंटरनेट पर कोई निशान नहीं छोड़ना चाहती थी. अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कुछ बचे खुचे निशानों से एक चौंकाने वाली जानकारी हासिल की. इस अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक फेज एक दूसरी बड़ी कंपनी की एक शाखा है. और ये बड़ी कंपनी क्या है? मॉस्को स्थित मार्केटिंग कंपनी एड नाउ. और यहीं से पूरे कैंपेन में रूस की एंट्री होती है. आरोप लग रहे हैं कि इस कैंपेन के पीछे दिमाग रूस का है. फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ओलिवियो वेरा ने कहा है इस घटना पर कि ये घटिया है, गैर जिम्मेदार है, खतरनाक है. उन्होंने रूस का सीधे नाम नहीं लिया लेकिन अब तक मिले सबूतों की कड़ी वहीं पहुंचती है. आगे जांच होगी तो और खुलासे होंगे. मान लेते हैं फॉर आर्ग्यूमेंट से कि इसके पीछे रूस का हाथ है, तो सवाल आता है कि रूस ऐसा क्यों करेगा, क्या फायदा? समझते हैं. रूस की कोरोना वैक्सीन का नाम स्पूतनिक वी. इसको 60 से अधिक देशों ने अपने यहां इस्तेमाल की मंजूरी दी. इसमें अधिकतर विकासशील देश हैं, मतलब ये कि उनके पास वैक्सीन खरीदने की सीमित क्षमता है. उनकी तुलना में यूरोप के देशों के पास पैसा ज्यादा है, अधिक वैक्सीन खरीदने के लिए लालायत भी है. यूरोपियन यूनियन में कुल 27 देश. अगर यहाँ स्पूतनिक वी को एंट्री मिलती तो रूस को आर्थिक फायदा होता, साथ ही यूरोप में असर बढ़ता, अमेरिका का दबदबा कम होता. लेकिन यूरोपियन यूनियन की मेडिकल एजेंसी स्पूतनिक वी को अप्रूवल देने से बच रही है. एजेंसी का कहना है कि इस वैक्सीन के ट्रायल के आंकड़े पर्याप्त नहीं है. कुछ समय पहले जर्मनी और फ्रांस ने कहा था कि अगर यूरोपियन यूनियन ने स्पूतनिक वी को अप्रूव नहीं किया तो हम रूस से सीधे डील भी कर लेंगे. हम जानते हैं कि फ्रांस में 35% आबादी को कम से कम एक खुराक लगाई जा चुकी है. वैसे हम कैसे जानते होंगे, अभी अभी तो हमें भी जानने में आया. जर्मनी में ये आंकड़ा 41% है और इसमें बड़ा योगदान फाइजर की वैक्सीन का है. इसे जर्मन कंपनी बायो एंटेक और अमरीकी कंपनी फाइजर ने डेवलप किया. अगर यूरोप में फाइजर की वैक्सीन के खिलाफ माहौल बन जाता है
और लोग टीका लगवाने से इसका मना करते हैं तो बड़ी समस्या आ सकती है। वैक्सीनेशन की ड्राइव धीमी पड़ सकती है, महामारी से उबरने में, अर्थव्यवस्था को सुधारने में संकट आ सकता है और ऐसे में लोग दूसरा विकल्प तलाशेंगे और तब रूस की स्पूतनिक वी का चांस बढ़ सकता है, तो फायदा रूस को होगा। अब सवाल ये कि रूस इसके पीछे है तो रूस में कौन, फार्मा कंपनियां या सरकार? अभी ये कहना जल्दबाजी है, हालांकि यूट्यूबर्स को ऑफर देने वाला मेल और स्पूतनिक वी के ट्विटर अकाउंट पर चल रहे कैंपेन में कई समानताएं हैं। मसलन पश्चिमी देशों में बनी वैक्सीन को दोयम दर्जे का बताना, फाइजर की वैक्सीन के चलते मरने वालों का भ्रामक आंकड़ा पेश करना और लोगों को अपनी सरकार के खिलाफ भड़काने का माहौल तैयार करना। अभी एंटी वैक्सीन वाले कितने वीडियो सामने आ चुके हैं, उनसे प्रभावित होकर कितने लोग वैक्सीन को नकार चुके हैं, ये दुनिया का नहीं देश का भी मामला है। तमाम फर्जी डॉक्टर फर्जी पीएचडी डिग्रियों के साथ अपने यूट्यूब चैनल के सहारे, अपने मदांध भक्तों के सहारे इस तरह की फालतू बातें करते हैं कोरोना के बारे में, और डॉक्टर्स और सभी लोग इनकी फर्जी बातों का संज्ञान भी लेते हैं, आप भी लीजिए। हालांकि एक बात तय है कि इस तरह के कैंपेन मानवता के हित में नहीं होते हैं, जो कहते हैं कि वैक्सीन मत लगाओ, ये झूठ वो झूठ, क्योंकि फिलहाल वैक्सीन ही उपाय है।